हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजी बीएससी में। आज हम लोग बात करेंगे सीजी एसआई कल एग्जामों कटअप के बारे में कि कितने स्टूडेंट लगभग प्रेजेंट थे, कैसा माहौल रहा एग्जाम देने के बाद, कैसा फील हुआ। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से किए होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न थे जिसमें 35 डिवाइड था ना। जनरली ऐसा होता नहीं, व्यापम में इसको रैंडमली लेता है, लेकिन डिवाइड था 35 इंडियन जीएस, 25 छत्तीसगढ़ का जीएस, उसके बाद आपका 20 गणित और रीजनिंग, 5 कंप्यूटर, 5 इंग्लिश और 10 हिंदी। 100 प्रश्न का पूरा सेटअप था। ठीक, कितने लोग पहले एग्जाम में फॉर्म भरे थे स्टार्टिंग, अगर मैं बात करूँ तो 1,42,000 के आसपास, मोटा मोटा 1.5 लाख लोग फॉर्म भरे थे। फिजिकल चेक हुआ, डिसेबिलिटी चेक हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो लगभग 70,000 से 72,000 लोग बचे, आधा कटे। रिफॉर्म करना था तब कितना लोग बचे, देखो स्क्रीन पर शो हो रहा। रिफॉर्म किए तो लगभग 72,000 लोग में 4,000 नहीं किए, मतलब 67,000 से 68,000 लोग किए। पेपर कितना लोग दिलाए, तो देखो हर एक रूम में जैसे 30 का या फिर 24 का कैपेसिटी था ना, उसमें एक दो लोग मिसिंग थे। क्योंकि ये सीटेट का भी एग्जाम था, कुछ निजी कारणों से कोई लोग उपस्थित नहीं हो पाए, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था, तो लगभग 60,000 लोग अटेंडेंस था। मतलब लगभग अटेंडेंस अगर बोलूँ, ये 67,000 में 60,000 लोग प्रेजेंट थे। ओके, अब एक बात बताओ, 60,000 लोग एग्जाम दिए, तो आप अपने क्लास में ना 3 लोग को सेलेक्ट करें, और जो अगर आप वो 3 लोग से नंबर ज्यादा किए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना, तो आपका मेरा मतलब ये है कि 20 गुना सिलेक्शन होना है। ए 975 में अगर आप 20 से गुणा करोगे तो 19,500 आएंगे, लेकिन आप इस डाटा को थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो 20,000 आप मोटा मोटा मान के चलो। ठीक, तो 20,000 में 60,000 में 20,000 लोगों का मेंस में चयन होना है, क्लियर। अब 20,000 लोग मेंस में जाएंगे, मतलब दूसरा चरण में जाएंगे, तो प्रीलिम्स के लिए कितना लोग बैठे थे, 60,000, और 60,000 का अगर मैं एक तिहाई करूं तो लगभग 20,000 आता है। मतलब हर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा इसमें। ओके, तो अब आप कटअप के बारे में बात करते हैं, तो आपको डिवाइड करना है कि कितने वर्ग में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले मेल का देखो, सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी। तो सामान्य वर्ग में मेल को लेके बात करूं तो मैक्सिमम बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा बोलने में बहुत आसान है कि भैया बहुत इजी पेपर था, कि 100 में आप 70-80 आराम से कर लोगे, लेकिन गलत बात है भाई। इंडियन जीएस का क्वेश्चन ऐसा था ना, जो बन गया तो बन गया, नहीं तो छूटेगा। तुक्का काम नहीं करता, तुक्का काम सिर्फ कुछ एक लोगों का करता है, बाकी किसी का नहीं करता भाई। 20 क्वेश्चन मैंने लगाया, तुक्का मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन सही हुआ। लास्ट में ये बताऊंगा मेरा कितना नंबर है, आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना नंबर है। तो अब मेल का बात करूं मैं जनरल, अब देखो ये आरक्षण का रोस्टर क्लियर नहीं है, तो 50% के आधार में बता रहा हूँ कि 58, मैं 58 को लेकर चलता हूँ, 72-76 तो होने से रहा नहीं। 58% के आधार में बात करूं तो 58% में मेल जो सामान्य वर्ग से है वो 55 से 60 नंबर, मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ। क्योंकि भैया मान लो 60,000 में 5,000 लोग ऐसे हैं जो 80 नंबर लाए, 70 से 80 के बीच में लाए, लेकिन आप जब उसका एनालिसिस करोगे ना, पोल बनाओगे, तो आपको दिखेगा 50 से 60 लगभग 40% लोग बनाए, 60 से 70 लगभग 20% या 10% लोग बनाए, 70 से 80 5%, तो 5% होते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। 100 नंबर में 90 ले आएंगे, मतलब 300 में 290 ले आएंगे, 280 ले आएंगे, 70 ले आएंगे, लेकिन मैक्सिमम उनका संख्या कितना होगा, 4 से 5 हज़ार, इतना गुना ले रहे हैं, बाकी की 14 से 15 हज़ार बच गए ना, उन लोग कहाँ से आएंगे, तो उन लोग हमारे बीच से आएंगे जो 50 से 60 से किए हैं। अब उसमें भी क्राइटेरिया है एस टी एस सी ओ बी सी जनरल, तो जनरल में आप मान लो 50, 55 से 60, फीमेल 5% कम करो, मतलब 52 से 57 के बीच में रखो, देखो ऊपर नीचे होकर डाटा में 55 से 60। ओके, 52 से ले लो आप 57। उसके बाद ओ बी सी को 5 नंबर कम करो, 50 से 60 में जनरल का है, 55 से 60 में, और 50 से 60 के बीच में 50 से 55 नंबर में ओबीसी की रखो, मेल फीमेल को थोड़ा कम कर दो, 48 से 53 रखो, एससी 45 से 50 और एसटी 42 से 47 के बीच मान लो। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने में मिलेगा ही नहीं, अगर आपको 60 प्रश्न या 50 प्रश्न ऊपर से ही हो रहे तो आप तैयारी में लगी हुई नहीं इसकी तरह। अगले चरणों में फिर गणित का एक इंडिविजुअली पेपर होगा, हिंदी का इंडिविजुअली पेपर होगा जिसमें इंग्लिश भी रहेगा, ओके, साइंस का अलग होगा जिसमें पीसीबी होगा, सामान्य अध्ययन का अलग से पेपर होगा। मतलब अब आपका तैयारी ना ज्यादा होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, लेकिन आसान भी होता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे ना तो उसका तैयारी बहुत अच्छे से होगा। यहाँ बस तो रैंडम था कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन अब क्या है,
एकदम माइंड सेट करके बैठ जाना भाई कि कुछ नहीं है, गणित पढ़ना है पूरा गणित पढ़ो, हिंदी पढ़ना है पूरा हिंदी पढ़ो, एकदम चाट के पीना है, घोल के पीना है भैया, ये पूरा ऐसे भी मेरा कितना कोशिश है। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने बनाया ना तो मेरा ना बचपन से सही जा रहा था, बचपन मतलब एक लाइन में बना कि हाँ भैया कहाँ से मैं पता है। फिर दूसरी बार में जब मैंने गया ना वापस उसमें तो मैंने 10 क्वेश्चन उसमें जोड़ लिया, लगभग 65 क्वेश्चन आ गए, तुक्का मारा तुक्का लगा नहीं लेकिन 4-5 क्वेश्चन मेरा लगा, तो कुल मिला के मेरा 68 क्वेश्चन सही हुआ अभी के मॉडल आंसर के हिसाब से जिसको मैंने बताया है। व्यापम में थोड़ा कम मान लो 60 मान लो, मैंने मान लो 60 से 65 मान लो, 60 से 65 मान लो, तो रेंज तो ठीक ठाक है, 30,000 में आ रहा है, वही तो टॉप करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ से नंबर जुड़ने से रहा नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो जो व्यक्ति 50 नंबर से ऊपर है ओबीसी और जनरल वर्ग में, आप अपने आप को सुरक्षित मान के अगले चरण की तैयारी में लग गई है, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसका तैयारी मैं डेडिकेशन के साथ तो करवाऊंगा ही, खुद भी पढ़ूंगा आपको भी पढ़ाऊंगा, मतलब आपसे मैं सीखूंगा मेरे साथ सीखेंगे, तो कुल मिला के पूरा सिनेरियो था। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ बिल्कुल पैनिक मत हो, 12 तारीख को एग्जाम है भैया, अगर मान लो थोड़ा भी पेपर बिगड़ा, दिमाग को इधर उधर किया तो ये पेपर तो गया 12 तारीख वाला प्रीलिम्स का। आप प्रीलिम्स में थोड़ा आपका स्ट्रेटेजी बदल जाएगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है ना भाई, अब माइनस मार्किंग है 2/3 है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो वहाँ पर सब माइनस या फिर जो तुक्का वाला है ना उसको छोड़ देना यार, एकदम ऑथेंटिक आंसर को लेना, 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे चलते हैं, बट ठीक है ये सारी चीज़ों को आपको लेना है। तो पीएससी का स्ट्रेटेजी आपको बताने के लिए मैं बहुत जल्दी आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी सिर्फ अपना तैयारी करिए, एक बार रिविजन करिए कहाँ कहाँ वापस क्या क्या गलती हुआ, हिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत जा रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ लो, इतिहास में जा रहा है इतिहास स्टेक ही होता है, भूगोल में जा रहा है तो उसको पढ़ लो, हिंदी में देख लो, इंग्लिश में क्या होता है उसको देख लो, तो इस प्रकार से पूरा सिनेरियो रखो। और तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है समझ आया होगा, कटअप ज़्यादा जाने से रहा नहीं, बस अब नेक्स्ट ईयर में तैयारी करना है। ठीक है, मिलते हैं अपने एमसीक्यू में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़।